हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक दवा के विषय में, जिसका नाम है इग्नेशिया। उसका पूरा नाम है इग्नेशिया मरा। इसको हम किस बीमारी में और किस पोटेंसी में और किस ड्यूरेशन में यूज करते हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, इग्नेशिया मरा जो है ये वुमेंस रेमेडी है। वैसे जो है इग्नेशिया, लैकेसिस, सीपिया, पल्साटिला, कोलोफाइलम, सिकलिकार, ये सब पांच छह दवाइयाँ हैं जो कि वुमेंस रेमेडी में सबसे पहले दी जाती है। उसके बाद दूसरी दवाई देखते हैं। इसका मेंटल सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मेंटल सिम्टम जो है चेंजेबल होता है। इग्नेशिया 200 चार चार बूंद करके सप्ताह में एक बार लगातार दीजिए। इस तरह का प्रॉब्लम जो है थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो है इस तरह का जो चेंजेबल मूड है ठीक हो जाएगा। इग्नेशिया 200 चार बूंद सप्ताह में एक बार। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, इसका पेशेंट जो है कैनॉट टॉलरेट टोबैको, तंबाकू जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस तंबाकू का गंध से, तंबाकू के महक से उसको जो हेडेक हो जाता है। तो इस तरह का कोई पेशेंट है तो उसको आप जो है इग्नेशिया 200 सप्ताह में एक बार जो है चाचा बूंद करके दीजिए। उसका एक जो प्रॉब्लम है टोबैको बर्दाश्त नहीं होता है, नॉर्मल आदमी की तरह बर्दाश्त होने लगेगा और पेशेंट का पोजिशन ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है फीवर पर जो है, इसका फीवर जो होता है ठीक एक ही समय से फीवर आता है। तो अगर कोई भी फीवर हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे जॉन्डिस हो, चाहे गैस्ट्रिक फीवर हो, कोई फीवर हो, अगर फीवर का एग्जैक्ट एक ही टाइम है तो आप जो है इग्नेशिया 30 पावर की जो है पांच गोली करके जो है दो दो घंटा तीन तीन घंटा पर इस तरह के फीवर में आप दे सकते हैं। इससे जो है पेशेंट को आराम हो जाएगा। फीवर का जो टाइम है वो बदल जाएगा, या तो फीवर उतर जाएगा या तो फिर फीवर अपना दूसरा रूप दे लेगा, तो आपको दवा सिलेक्शन करने में सुविधा हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है पेट के बारे में। इसमें क्या होता है जो है स्टमक से जैसे कोई चीज़ धक्का देकर ऊपर आती है और गले में फंस जाती है। इसके बाद में आप पानी पीते हैं, फिर अंदर जाती है, फिर होता है, तो ये साइकिल चलता रहता है। तो ऐसा अगर कोई सिम्टम है, बीमारी कोई भी हो, आप इग्नेशिया 30 पावर की जो है गोली में चार पाँच गोली दिन में तीन बार लगातार कुछ दिन दे लीजिए, हफ्ता 10 दिन। ये अगर सिम्टम अगर है, लक्षण है, तो ये प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है गले पर है, थ्रोट पर है। थ्रोट पर जो ऐसा लगता है जिससे कोई मछली के कांटा गड़ गया है, ऐसा सिम्टम गले में आपको हो या किसी को भी हो, तो आप इग्नेशिया 30 जो है पाँच छः गोली करके तीन तीन घंटा पर दे दीजिए, पेशेंट को तुरंत आराम हो जाएगा। दोस्तों, उसका थ्रोट पर जो गले पर एक यूनिक सिम्टम और है कि जो है आप जब पानी पीते हैं गले में रुक जाएगा, पानी अंदर नहीं जाएगा, और खाना खाएंगे जब सोदी चीज़ खाएंगे वो तुरंत पेट के अंदर जाएगा चला। तो इग्नेशिया का बहुत ही यूनिक सिम्टम है। तो अगर ऐसा सिम्टम है तो आप इग्नेशिया 200 जो है सप्ताह में एक बार लगातार दे दीजिए, हर हफ्ता में दे दीजिए, आस्ते आस्ते प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, इसका अगला सिम्टम है कि जो है बार बार लेटरिन की इच्छा होती है, जैसे नेक्स्ट भूमिका होती है। इसमें सिर्फ फर्क यह है कि आप जब मोशन करने जाते हैं तो रेक्टम पहले निकल आता है। लेटरिन होने के बाद रेक्टम में जो है बहुत देर तक तनाव रहता है। नेक्स्ट भूमिका में रेक्टम बाहर नहीं निकलेगा और इसमें जो है रेक्टम बाहर निकल जाएगा और बहुत देर तक जो है रेक्टम दर्द करता रहता है। तो ऐसा सिम्टम अगर मिले तो इग्नेशिया 30 चार बूंद करके तीन तीन घंटा पर दे दीजिए, पेशेंट को आराम तुरंत हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है वार्म पर। छोटी छोटी जो सफ़ेद पीन वार्म होती है, पतली पतली होती है, वो रेक्टम में पैदा होती हैं और रेक्टम में खुजली होती है, चाहे बच्चा हो चाहे एडल्ट हो। तो आप जो है इग्नेशिया पावर की जो है बच्चों को 30 पावर की और बड़ों को 200 पावर में जो है, तो बच्चों को जो है दो दो बूंद करके दिन में तीन बार दे दीजिए और एडल्ट को जो है चार चार बूंद करके दिन में दो बार दे दीजिए। किसी भी तरह का कीड़ा रहेगा, छोटा कीड़ा रहेगा, चाहे एकदम पीन वार्म रहेगा, ठीक हो जाए और खुजली ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम खांसी पर है, कफ पर है। इसका कफ जो है गले में सुसुराहट होती है और खांसी आती है, और खांसी रात में सोने पर बहुत बढ़ जाती है। रोगी जो जितना ही खांसता है गले की सुसुरी उतनी ही बढ़ जाती है, लेकिन किसी तरह खांसी बंद नहीं होती है। तो ऐसा पेशेंट कभी कभी मिलता है कि खांसी से परेशान है और रात में खांसी ज़्यादा आती है। इस तरह के केस में आप जो है इग्नेशिया 30 पावर की गोली में, क्योंकि ड्राप में देने से जो है गले में लगेगा, आप जो है पाँच गोली जो है तीन तीन घंटे पर जो है ले लीजिए, खांसी आपकी दो चार दिन में ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है दांत के दर्द में, टूथेक पर। अगर आपको जो है कॉफ़ी पीने से दांत में दर्द होता है और स्मोकिंग करने से दांत में दर्द होता है, पर्टिकुलर सिम्टम यह है, अगर कॉफ़ी पीने से दांत में दर्द हो गया तो आप इग्नेशिया 30 जो है चार बूंद करके दिन में तीन तीन घंटा पर जो है लगातार, क्योंकि दांत में दर्द है तो आप जो है इंतजार करेंगे एक हफ्ता का, तो इसमें दांत के दर्द में इग्नेशिया 30 पावर की चार बूंद करके जो है तीन तीन घंटा पर ले लीजिए, तो आपका दर्द जो है तुरंत ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है पाइल्स पर जो है। इसमें क्या होता है जो है जब आपको खांसी आती है, जैसे कास्ट के में
काष्ठकम में क्या जब खांसी आती है तो पेशाब निकल जाता है, तो आप काष्ठकम दे दीजिए तुरंत आराम हो जाएगा। तो इसमें जो है पाइल्स का सिम्टम ऐसा है, जब आपको खांसी आएगी पाइल्स में आपको स्टिचिंग करेगा, तो ऐसा सिम्टम जो है और किसी मेडिसिन में नहीं है। तो अगर ऐसा सिम्टम मिलता है तो आप इग्निशिया 30 पावर में जो है 5-6 गोली करके सुबह शाम लगातार कुछ दिन दे लीजिए, आपका जो है 3-4 दिन के अंदर में पाइल्स तो ठीक होने में टाइम लगेगा लेकिन आपकी खांसी जो है तुरंत ठीक हो जाएगी, जो पाइल्स का और कफ का जो रिलेशन है वो तुरंत खत्म हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है डायरिया पर, अगर किसी को डायरिया है और कारण आप समझ गए किस कारण से हो रहा है तो दवाई देने से तुरंत आराम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है डायरिया में जो है अगर आप डर गए हैं उससे अगर डायरिया हो गया है आप इग्नेशिया 30 4-4 बूंद करके 2-2 घंटे पर लेते रहिए अगर डायरिया है, और वो भी डायरिया अगर डर से हो गया है फ्राइट से हो गया है तो डायरिया तुरंत ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम रेक्टम पर ही है, रेक्टम से जो हेमरेज होता है खून निकलता है और दर्द होता है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका स्टूल हार्ड है तब आपका रेक्टम में दर्द होगा तब समझ में आता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका स्टूल जब लूज है, लूज होने पर भी आपको हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है और दर्द हो रहा है, तब आप जो इग्निशिया 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए तो आपका जो इस प्रॉब्लम है दर्द रेक्टम में दर्द है आपकी प्रॉब्लम जो है तुरंत ठीक हो जाएगी। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है जर्किंग ऑफ द लिम्स, आप जब रात में सोने जाते हैं तो आपका लिम्स जो हाथ या पांव में झटका लगता है, आप समझ नहीं पाते हैं तो दिन में ठीक रहेगा लेकिन रात में जो है आप सोने गए आपका हाथ में झटका लग गया, अगर ऐसा सिम्टम है तो आप इग्निशिया 200 सप्ताह में एक बार खाली करनी है, इग्निशिया 200 चार बूंद सप्ताह में एक बार कुछ दिन दे लीजिए, आपका हाथ पांव में जो जर्किंग लगता है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है घुटना के पीछे जो मसल्स जो काफ मसल्स है उसके नीचे जो टेंडोकालिस है, टेंडोकालिस और कफ मसल ये दोनों में दर्द रहता है और दबाने से आराम मिले या न मिले लेकिन अगर दर्द रहे तो इग्निशिया जो है इसकी बहुत अच्छी दवाई है, इग्निशिया 200 सुबह शाम 4-4 बूंद करके लगातार ले लीजिए कुछ दिन तो आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है आपके जो तलवा है, तलवा में जो है ऐसा दर्द होगा कि जैसे कोई थोड़ा हो गया है अल्सर हो गया है, अगर आपको तलवा में दर्द हो रहा है और दर्द इस तरह से हो रहा है जैसे अल्सर हो गया है तो आप जो है इग्नेशिया 30 पावर की जो है 4-4 बूंद करके सुबह शाम दे लीजिए, इस तरह का पेन है तो ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है स्वप्न पर, हालांकि मेडिकल साइंस फेल हो गई है कि सपना क्यों आता है आदमी को, इसमें क्या होता है ड्रीम में पेशेंट जो है ड्रीम देखता है लंबे समय तक, कोई सपना देख रहा है लंबे समय तक सपना देख रहा है और जब सो के उठेगा माथा भारी हो जाएगा या और दिक्कत हो जाएगी, तो अगर सपना रात भर देखता है और सुबह उठ के जो है उसको माथा में दर्द होता है ऐसे पेशेंट को जो इग्निशिया 30 4-4 बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिन दे दिए जब तक सपना ना बंद हो गया तब तक देते रहिए, इस तरह का सपना इस दवाई से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको इग्नेशिया के बारे में बताया, अगर आपको कोई डाउट हो या आप कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आपको कॉल नहीं करना सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7059613492। तो आशा है दोस्तों आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा, आप इसको लाइक कर लीजिए शेयर कर लीजिए और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा एक और चैनल इंग्लिश में जिसका नाम है वर्ड ऑफ होम्योपैथी, इसका भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसको भी लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तब तक मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, नमस्कार।